नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जो है सो एक अच्छा खासा जो है सो अपने ग्रब डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। ग्रब में जो वॉलपेपर दिखता है या ऐसा ही कुछ दिखता है उसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने अपने कंप्यूटर को बूट अप कर लिया, उसके बाद पासवर्ड डालूंगा। ये बायोस पासवर्ड है, मैंने बायोस में लॉक लगा के रखा है। तो देख सकते हैं बेसिकली आपका ग्रब कुछ इस तरीके से खुलेगा। देख लीजिए, ये ग्रब मेरा खुल गया। कितना अच्छा लग रहा है जो है। एक ऊपर है मैकबुक प्रो लिखा हुआ है, उसके बाद विंडोज़ लिखा हुआ है, उसके बाद अदर ऑप्शन लिखा हुआ है। तो ये इतना अच्छा ग्रब इसको मैंने बना दिया है। और बेसिकली जो मैकबुक प्रो है वो एक्चुअली में उबुंटू है, और उसको मैंने पूरे मैक के तरह जो है सो बना के रखा है। तो वो इसलिए उसका नाम मैकबुक प्रो डाल दिया है। तो इस तरीके का अगर आपको क्या कहते हैं, अगर आपको चाहिए मतलब क्या कहते हैं मतलब ग्रब, तो आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देखिए। तो शुरुआत करते हैं इस ट्यूटोरियल का। पहले जो है सो सिस्टम को बूट अप कर देते हैं, बूट अप होने देते हैं। नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो। और आज हम जो है सो वैसे ये पहले ही बोल दिए थे ना, एक्चुअली मैं आदत हो गया है दो बार मतलब जो है सो जितना बार क्लिप स्टार्ट करते हैं उतना बार जो है सो बोल देते हैं। तो बेसिकली हम वन शॉट में पूरा वीडियो कंप्लीट करते हैं ना, तो आज डबल शॉट लिए हैं। पहले तो आपको विंडोज स्टार्ट ओएस स्टार्ट होने से पहले जो है सो एक बार बोले तो उसके लिए शेयर, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रब का ट्यूटोरियल। तो ग्रब उस तरीके का अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो है सो पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट कर देना है अपने उबुंटू सिस्टम को। और ये जो आप देख रहे हैं ये उबुंटू ही है, मैक ओएस नहीं है। देखने में एकदम मैक ओएस लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में ये मैक ओएस नहीं उबुंटू है। प्रूफ के लिए हम आपको दिखा देते हैं सेटिंग खोल के। सेटिंग में जाएंगे तो डिटेल में जाएंगे तो देखिए उबुंटू 18.10 है। क्या कहते हैं ये नहीं है। तो आपको अगर ग्रब चेंज करना है ना, तो बेसिकली आप जो है सो कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए, उसके बाद सर्च कीजिए ग्रब। कैसे कर रहा है, हाँ, उसके बाद यह जीएनयू ग्रब, जीएनयू प्रोजेक्ट ग्रब आ गया, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। मेरे ख्याल से नहीं, नहीं ये नहीं है एक्चुअली। भैया तो ग्रब का ऑफिशियल वेबसाइट है, हमको तो ग्रब कस्टमाइज करना है। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको दो वेबसाइट ओपन करना है। पहला वेबसाइट है genome/look.org। इस वेबसाइट को अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद लेफ्ट साइड पैनल में आपको जाना है ग्रब थीम्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रब थीम्स है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको जो भी थीम पसंद है, जो भी थीम, ठीक है, जो भी कोई भी थीम पसंद है तो उस थीम को सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि आप यहाँ पे लेटेस्ट है, देख लीजिए इस तरफ में, इसमें लेटेस्ट है जो ग्रब थीम वो आ जाता है। उसके बाद उसके राइट साइड में रेटिंग के हिसाब से जो मतलब बेस्ट है वो आ जाता है। तो हम बेसिकली रेटिंग के हिसाब से गए थे। और ये सबसे ऊपर में जो है ग्रब थीम भी वीमेक्स, इसको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको कोई भी चूज कर लीजिए ग्रब, कोई भी थीम आप चूज कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद प्रोडक्ट फाइल्स में जाना है। उसके बाद बेसिकली फाइल्स में जाने के बाद आप फाइल्स खुलेगा, देख लीजिए एक ही फाइल है इसमें, इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया, रुक जाइए, डाउनलोड कर लेते हैं। सेव सेव फाइल पे आया, सेव फाइल ओके कर दिए तो ये बेसिकली सेव हो जाएगा। देखिए हो भी गया, तो बेसिकली बहुत कम MB का है ये, सेव हो गया। आपको कोई भी ग्रब थीम चूज कर लेना है, कैसा आप चाहते हैं आपका ग्रब दिखे उस तरीके से जो है सो आप चूज कर लेना है। उसके बाद उसको डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जो है मतलब जो डाउनलोड वाले किए हैं उसको उस फोल्डर में चले जाइए। ठीक है, और उसको जो है सो एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, वहीं पे एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो देख सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो उसके बाद इसमें जो है सो बेसिकली एक ऑप्शन है इंस्टॉल डॉट, उसको खोलिएगा उस फोल्डर को, तो है इंस्टॉल डॉट
vmax.ss। तो आपको कर रहा है इसके बाद कि उस फोल्डर को खोलने के बाद वहीं पे राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल खोल लेना है। ठीक है, टर्मिनल जब खुल जाएगा, इसको साइड कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज ही कर लेते हैं। उसके बाद जब टर्मिनल खुल जाएगा तो यहाँ पे ये टाइप करना है, डॉट टाइप करना है और राइट स्लैश टाइप करना है। नहीं, पहले ls टाइप कीजिए, ls। ठीक है, ls के बाद आपको लिस्ट आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सा जो फाइल है या फोल्डर है। ठीक है, उसके बाद ls टाइप करने के बाद आपको जो है सो डॉट टाइप करना है और फॉरवर्ड स्लैश टाइप करना है, जैसे मैंने टाइप किया। उसके बाद जो इंस्टॉल डॉट sh है, इंस्टॉल डॉट sh, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा है और उसके बाद एंटर मार देना है। इससे होगा ये कि आपका ग्रब जो है सो इंस्टॉल हो जाएगा और आपका नया ग्रब जो है सो कुछ इस तरीके का दिखेगा, कुछ इस तरीके का। हाँ, कुछ इस तरीके का दिखेगा, सेम टू सेम दिखेगा, जैसे आपका उबंटू होगा, विंडोज होगा, अगर आप ड्यूअल बूट किए हुए हैं तो इस तरीके का दिखेगा आपका ग्रब। और उसके बाद ये तो हो गया नॉर्मल कस्टमाइज कि आप थीम इंस्टॉल किए। अब इसका आप और भी ज्यादा मतलब एडिट करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि इसका ये ऊपर हो जाए, ये नीचे हो जाए, इसका नाम चेंज करना, इसका लोगो चेंज करना, इसके पीछे का बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना, तो ये सब भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक और वेबसाइट पे क्या कहते हैं, टाइप कीजिए गूगल पे ग्रब कस्टमाइजर, ग्रब कस्टमाइजर टाइप कीजिएगा तो सबसे ऊपर में आएगा लॉन्च पैड पीपीए फॉर ग्रब कस्टमाइजर बाय डेनियल रिचर्ड। ठीक है, ये लॉन्च पैड डॉट नेट वाला है वेबसाइट, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ऊपर में ही जो है सो पीपीए डिस्क्रिप्शन यहां देख सकते हैं, तीन कमांड है, इस तीनों कमांड को बारी बारी से आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, फर्स्ट कमांड है sudo add repository ppa daniel जो भी है, तो ये कमांड क्या करेगा, बेसिकली वो रिपोजिटरी जो है सो उसका जो आपको आपके जो है सो उबंटू में ऐड करेगा। उसके बाद sudo apt-get update जो है सो पूरे सिस्टम को अपडेट करेगा, ये नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद sudo apt-get install grub customizer क्या कहते हैं इंस्टॉल कीजिएगा तो grub जो है सो कस्टमाइजर इंस्टॉल हो जाएगा। इतना करने के बाद आप ब्राउजर को क्लोज कर दीजिए, बारी बारी से उसको मारना है, नेट कनेक्शन होना चाहिए इसमें, हम आपको करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप सर्च बार में ग्रब कस्टमाइजर टाइप कीजिए, इस तरीके का कुछ आएगा, उसके बाद खोल लीजिए। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा आपसे क्योंकि आप ग्रब कस्टमाइज करने वाले हैं, तो पासवर्ड डालने के बाद आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, तो ये लोड हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ्ट, अगर आप एच डी में देख रहे होंगे तो नीचे वाले कॉर्नर पे जो है सो ये लोड हो रहा है। मिनिमम 420p में जो होता है, 400 ऐसे कुछ जो पी होता है, 720p में ही देखिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, और 720p में ही अपलोड भी करेंगे शायद हम पता रहे। तो ये लोड हो रहा है, तब तक लोड हो जाते हैं और उसके बाद तब तक हम वीडियो, तो हमारा जो है सो ग्रब कस्टमाइजर लोड हो चुका है। अब आप देखिएगा कुछ इस तरीके का आपका ऑप्शन दिखेगा। मैकबुक प्रो जो है सो बेसिकली उबंटू था, तो उबंटू का नाम मैकबुक प्रो कर दिया है, विंडोज 10 प्रो है, उसके बाद अदर मेनू में जो है सो बाकी जो इसमें चीज सब था उसको हम अदर मेनू में डाल दिया है। तो बेसिकली किस चीज को ऊपर नीचे करने के लिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फाइल में जाइए, सॉरी एडिट में जाइए, और मूव डाउन का ऑप्शन है या मूव अप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा क्योंकि सबसे ऊपर में है, तो जो है सो मूव अप का ऑप्शन है। विंडोज 10 पे क्लिक करेंगे, एडिट पे करेंगे तो मूव अप मूव डाउन दोनों आ जाता है। तो आपको बेसिकली जिसको जहां पे लाना है उसको ला सकते हैं, बेसिकली मूव डाउन करके हम सभी को बाकी चीज सबको अदर ऑप्शन में ले आए हैं। और उसके बाद जो बच गया उसको ऊपर में रहने दिए है विंडोज और मैक, इसका नाम रख दिए हैं अदर ऑप्शन। तो रिनेम करने के लिए जाइए, राइट क्लिक कीजिए, रिनेम पे क्लिक कीजिए, उसके बाद उस लेटर पे क्लिक कर दीजिए, तो क्या कहते हैं बेसिकली रिनेम हो जाएगा। रिनेम करने के बाद ऊपर में सेव बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये तो हो गया नाम चेंज करना, ऊपर नीचे चेंज करना। उसके बाद आते हैं अपीयरेंस पे, तो बेसिकली अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो देख सकते हैं ये मैंने मैक ओएस वाला बैकग्राउंड लगा के रखा है। हाँ, तो देख सकते हैं अपन लोगों, तो मैक ओएस वाला बैकग्राउंड, तो बेसिकली ये बैकग्राउंड जो जेपीजी पे क्लिक कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ लोड फाइल पे है तो नन पे, और आपका जहाँ पे क्या कहते हैं फाइल है उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं लोकेट, मतलब उसको सेलेक्ट करना है तो उसमें फाइल सिस्टम में जनरली सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद
यहाँ पे डायरेक्ट फोल्डर से शो करता है, तो आपको फाइल उस फाइल सिस्टम पे सेलेक्ट करके बाद मीडिया में जाना है, उसके बाद आपका जो यूजर नेम है वो आएगा, सॉरी या फाइल सिस्टम नहीं यार, फाइल सिस्टम में मीडिया रहे, मीडिया रहे, होम, हाँ होम पे जाना है, उसके बाद आपका यूजर नेम आएगा, उसके बाद आपका जो है म्यूजिक डाउनलोड जिसमें भी आप सेलेक्ट करके रखे उस पर कीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए और उसके बाद सेव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया बैकग्राउंड चेंज का। अब आप चाहते हैं कि उसका जो लोगो सामने में दिखता है वो भी चेंज कर रहा, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा ओएस है, तो जैसे विंडोज होगा तो बेसिकली उबुंटू का लोगो चेंज कर रहा है, तो ये देखिए आइकॉन स्लैश उबुंटू पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने मैक ओएस का लोगो लगा के रखा है, तो इसको भी वैसे ही जो है सो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे विंडोज भी आएगा, देखिए विंडोज भी है नीचे, तो विंडोज में आप विंडोज का चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे करके कस्टमाइज कर दे, उसके बाद आपका ग्रब जो है सो आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं अपने हिसाब से, तो ग्रब जो है सो कस्टमाइज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो जो है आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।